सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर फ्री फायर वीडियो। सो गाइस यार, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 23 सितंबर का जो न्यू इवेंट आने वाला है और अपडेट आने वाले हैं फ्री फायर के अंदर, OB24 अपडेट, उसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा। इसलिए गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पर उससे पहले गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स वाली लिंक ज़रूर विजिट कर लेना, उससे आप फ्री में जो है डायमंड्स ले सकते हो, सिंपली बस गूगल से साइनअप करके, और पेटीएम नंबर या फिर हो या फिर सिंपल मोबाइल नंबर से भी काम चल जाएगा। तो गाइस यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, सबसे पहले बात करेंगे OB24 अपडेट के बारे में और क्या क्या न्यू चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कल फ्री फायर जो है नहीं चलने वाला, कल जो है फ्री फायर मेंटेनेंस में रहने वाला है। एंड गाइस ये जो मेंटेनेंस है वो शाम के 5 बजे तक चलने वाली है, उसके बाद आएगा एक न्यू अपडेट, उसी के बारे में सारी डिटेल्स बताऊँगा। न्यू इवेंट एंड अपडेट है, काफ़ी कुछ है, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइस यार, सबसे पहला जो चेंज निकल कर आया है वो ये है कि हमारा जो रैंक मोड है वो चेंज हो रहा है रैंक बैटल मोड से। तो गाइस यार, इसके अंदर अब क्या होने वाला है कि अगर आप गेम लीव करोगे, जैसे क्लैश स्क्वाड में गेम लीव करने पे आप बैन हो जाते हैं, वैसे इसमें जो है पॉइंट्स की जो रेटिंग होगी ना, अब बहुत गिरेगी, 3 से लेके 20 तक रेटिंग एक बार में गिर जाएगी। उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूँ, सेकेंड जो चेंज हुए हैं वो सबसे ज़्यादा हुए हैं वेपन्स में। तो वेपन्स के चेंज तो इतने ज़्यादा है कि गाइस मैं आपको एक साथ नहीं दिखा सकता, तो इमेज एक आपको शो करूँगा, उसमें आपको एक एक करके सारे वेपन्स के वो दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस यार, आप यहाँ देख सकते हो वेपन बैलेंस एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर जो है काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला चेंज किया गया कार 98 में। कार 98 का जो स्कोप था ना बायोमेट्रिक, उससे एकदम सही शॉट पड़ते थे एकदम सही जगह पे, तो एक्यूरेसी जो है वो घटा दी गई है, मतलब 40% अब आपके कम शॉट पड़ेंगे। पहले कहीं पर भी शॉट मार देते थे और पड़ जाता था, लेकिन अब जो है कार 98 की ख़राब कर दी। उसके बाद प्लाज्मा गन में जो है डैमेज बढ़ा दिया, प्लाज्मा गन काफ़ी अच्छी कर दी है और उसका जो रेट ऑफ फायर है वो भी बढ़ा दिया है। उसके बाद M14 जो गन थी, M14 जो गन थी, उसका जो रेट ऑफ फायर है वो कम कर दिया है एंड उसका जो डैमेज है वो थोड़ा बढ़ा दिया है। लेकिन गाइस उसका जो मिनिमम डैमेज है वो कम कर दिया है, 25 से 30 कर दिया है, और मैक्सिमम डैमेज 60 तक का कर दिया है। एंड गाइस उसका जो रेज कोर है ना वो भी ख़राब कर दिया, उसका रेट ऑफ़ फायर बहुत कम कर दिया है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी चलता था। इसके बाद गाइस मैं आपको बता दूँ, वेपन्स में कुछ न्यू वेपन्स आने वाली हैं वो भी बता देता हूँ। तो एक न्यू वेपन आने वाली है पाराफल, उसका एक जो डैमेज होगा वो 70 का होगा, लेकिन गाइस अभी वो जो है सिर्फ क्लैश स्क्वाड और क्लासिक मोड में आएगी और ट्रेनिंग में आएगी। पाराफल एक न्यू वेपन है, उसके साथ ही M21 एक न्यू वेपन है, वो जो है रैंक मोड में ऐड होगी और सारे मोड्स में चलेगी, लेकिन पाराफल जो है वो एक ही मोड में ऐड होगी। उसके बाद गाइस ट्रेनिंग मोड में काफ़ी चेंजेस है, ट्रेनिंग मोड में भी एक न्यू वेपन आई है, फ्लेम थ्रोअर। तो ये कौन सी वेपन है मैं आपको बता देता हूँ, फ्लेम थ्रोअर जो है सिर्फ ट्रेनिंग मोड के लिए बनाई गई है, अभी किसी क्लासिक ट्रेनिंग वगैरह में कहीं पर भी नहीं आई। तो इसके अंदर गाइस होगा क्या कि आपको जलाना होगा एनिमी का सिर, उसके हेड पे आपको एम लेके जाना होगा, सिर्फ उसी से ही काम चल पाएगा, फिर उसका जो हेड होगा ना वो जल जाएगा और फिर वो मर जाएगा। तो गाइस ये जो थी वो फ्लेम थ्रोअर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब गाइस मैं आपको बता दूँ, ट्रेनिंग मोड में जो है ना बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ट्रेनिंग मोड में अब आपकी टीम खेल सकती है, मतलब आप स्क्वाड में खेल सकते हो और इस बार एनिमीज नॉक हुआ करेंगे ट्रेनिंग मोड में, ठीक है गाइस। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूँ, ट्रेनिंग मोड में वेस्ट हेलमेट लेवल 3 के ऐड कर दिए गए हैं, वेस्ट और हेलमेट आ चुका है, और गाड़ी की जो स्पीड है, जो व्हीकल्स की स्पीड है वो तेज़ कर दी गई है, और उस जो एक हमारी व्हीकल होती है ना जिसके अंदर से पीछे से बूस्टर लगे होते हैं वो अब चलने लगा करेंगे। 2 न्यू मोड आ जाएंगे, मतलब जो व्हीकल होते हैं ना उसके अंदर 2 न्यू ऑप्शंस आ जाएंगे जिससे आप कुछ कर सकते हो, गाड़ी की जो स्पीड होगी वो बूस्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं, फ्री फायर के अंदर और भी कुछ न्यू इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे एक न्यू बूया इवेंट आने वाला है, वो एक बिल्कुल ही OP इवेंट होने वाला है। ये जो इवेंट है ना गाइस ये बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, इसके अंदर आपको सिंपली कुछ टोकन कलेक्ट करने, एक वेब इवेंट होगा, एक एक्सचेंज इवेंट होगा और एक चेक इन इवेंट होगा। तो चेक इन में तो सिंपली लॉग इन करना होगा, वेब इवेंट में आपको बूया करने होंगे और आपका लीडर बोर्ड आएगा कि आप कौन सी पोजीशन पे हो, जिसको जो टॉप पे होगा ना उसको एक ट्रेजर बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर से काफ़ी OP प्राइज मिलने वाले हैं। तो उसके जो आइटम्स हैं ना वो काफ़ी सारे हैं, पैराशूट है, लूट बॉक्स है, न्यू ग्लू वॉल की स्किन है, एंड गाइस उसके 2 बंडल भी हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें फ्री होंगी और कुछ चीज़ें पैसों की होंगी, ठीक है गाइस। तो अब गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है OB24 में, हमारी गेम के अंदर जो एक न्यू इवेंट चल रहा था OB24 का चेक इन वाला, तो कल जो है ये वाला भी इवेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो।
तो ये जो है कल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन गाइस ये जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ OB24, अभी इसके बाद भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यार एक और चेंज आया है कि जो आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंसी और सेंसिटिविटी होती है, इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। प्लेयर्स को प्रॉब्लम होती थी देखने में, तो आलोक का जो एक एबिलिटी आता है ना, एक रेडियो सा ऑप्शन आता है आलोक के अंदर, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूँ, अब जो है न्यू कैरेक्टर आ चुके हैं गेम के अंदर, दो न्यू कैरेक्टर्स ऐड होने वाले हैं गेम के अंदर, एक का नाम है सर और एक का नाम है दाशा। तो ये जो दो न्यू कैरेक्टर ऐड करे गए हैं ये गेम के अंदर कल आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों की एबिलिटी एकदम ओपी है। दाशा अगर आप ऊपर से कूदोगे तो आपका डैमेज जो है कम होगा, और आप जब ऊपर से हम जब हाइट पे से कहीं से कूदते हैं तो गोली नहीं मार पाते, तो वो वाला जो कैरेक्टर होगा वो मार देगा। और आप जब आप फैक्ट्री की छत पे से कूदोगे, फैक्ट्री के टॉप पे से कूदोगे ना, तो आपको डैमेज ही नहीं लगेगा, सिर्फ आधा डैमेज लगेगा। और सर की भी कुछ ऐसी एबिलिटी है, लेकिन उसकी एबिलिटी जो है मैं आपको कल बता दूंगा। उसके बाद गाइज अपडेट निकल कर आता है क्लैश स्क्वाड रीजन रैंक सीज़न 4 का रिवॉर्ड। तो जैसे ही आप गोल्ड 3 में पहुंचोगे रैंक सीज़न 4 में, तो इसमें आपको मिल जाएगा एक न्यू फार्मास की येलो कलर की स्किन। अब इसके अंदर आएगी फार्मास, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो गोल्डन G18 है। लेकिन गाइज यहाँ पर अपडेट्स नहीं ख़त्म हुए, अभी और भी कुछ अपडेट्स आपको बताने हैं मुझे। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करना। एंड गाइज अब मैं आपको बता दूँ, न्यू गोल्ड रॉयल, न्यू डायमंड रॉयल, न्यू फेडेड व्हील और न्यू लक रॉयल आने वाला है गेम के अंदर। उसी के साथ गाइज न्यू वेपन रॉयल भी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यार इसके अंदर जो है एक फीमेल और मेल के बंडल आए गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। उसके बाद गोल्ड रॉयल में जो IPL का एक बंडल आया हुआ है, इंडिया टीम का एक IPL का बंडल। तो गाइस यार उसके बाद अपडेट निकल कर आता है वेपन रॉयल में MP5 और उसकी स्किन आने वाली है, MP5 या फिर UMP की स्किन। सबसे ज़्यादा चांसेस है MP5 की स्किन आने की, ठीक है गाइस। तो ये जो है सारे मैंने आपको बता दिए, और इन सबकी इमेजेस जो है वो ढंग से देख लो एकदम, ये मैंने आपको सारी इमेजेस और वो सब कुछ दिखा दिया है। तो गाइस यार अब बात करते हैं और क्या न्यू इवेंट आने वाले हैं फ्री फायर के अंदर। तो गाइस यार OB24 में और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं हमारे गेम के अंदर, जैसे अब जो आपकी UID जो होती है ना, UID ये वाली, ये डिस्प्ले करी जाएगी हर जगह पर। जैसे ही आप गेम लगाओगे ना, तो उसके नीचे आपकी UID लिख कर आएगी, चाहे आप गेम खेलो चाहे ना खेलो, तो उसकी जो नीचे होगी ना एकदम हाईलाइटेड, उसमें आपकी जो UID होगी ना वो दिखाई जाएगी। एंड गाइस जो हैकर्स हैं वो बैन किए जाएंगे, क्योंकि हमारे गेम के अंदर हैकर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। इसके अलावा गाइस एक न्यू पेट आने वाला है हमारे गेम के अंदर, एक न्यू पेट है जो कि बहुत ज़्यादा OP है। एंड गाइस एक न्यू हेलोइन इवेंट निकल कर आया, हेलोइन इवेंट जो है वो अभी स्टार्ट नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा। एंड गाइस एलाइट पास डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो जो है वो आपको परसों देखने को मिलेगा। OB24 अपडेट कर ले तो उसके बाद आपको परसों जो है न्यू एलाइट पास डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, या तो फूड ट्रक आएगा या व्हील ऑफ डिस्काउंट आएगा। इसके बाद गाइस मैं आपको दूंगा हेलोइन इवेंट के अंदर भी काफ़ी कुछ आने वाला है, उसकी डेट निकल कर आई है, 24 अक्टूबर को हेलोइन इवेंट है। इसके बाद गाइज मैं आपको बता दूं, एलाइट पास वाले जो इवेंट होंगे ना, उसके अंदर आपको ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर सर्वर में एक ना एक ग्लू वॉल की स्किन आ रही है। लेकिन गाइज हो सकता है कि यहाँ पर इंडिया चैंपियनशिप पे हमें ग्लू वॉल की स्किन दे दी जाए, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको रिडीम कोड सबसे पहले दे दूंगा। लेकिन गाइज अभी जो अपडेट्स हैं वो ख़त्म नहीं हुई, कुछ और भी अपडेट्स हैं इससे अलग हटके, कुछ और अपडेट्स भी आए हैं मेरे पास, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यार और अपडेट्स ये निकल कर आए हैं, एक न्यू मोड आने वाला है क्लैश स्ट्राइक, जो कि क्लैश स्क्वाड जैसा ही होने वाला है लेकिन उससे काफ़ी अलग होने वाला है। तो क्लैश स्ट्राइक एक न्यू मोड आया हमारे गेम के अंदर। एंड गाइस सबसे बड़ा अपडेट जो है बरमूडा रीमास्टर्ड, तो जो मैप है हमारा बरमूडा वाला वो पूरा बदल चुका है, बरमूडा रीमास्टर आ गया इसकी जगह पे, या फिर आप कह सकते हो प्लान बरमूडा जो अब स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो एक बरमूडा रीमास्टर का ऑप्शन था, तो ये वाला जो ऑप्शन है अब अनेबल हो जाएगा, हमारे रैंक गेम के अंदर न्यू मैप आ जाएगा। एंड गाइस क्लैश स्ट्राइक जो है वो भी एकदम OP अपडेट है। तो गाइस यार ये थे सारे OB24 के अपडेट्स, अगर कोई और इवेंट या फिर अपडेट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल बता दूंगा, कल जो है गेम चलने नहीं वाला। तो कल की वीडियो में मिलते हैं गाइस, उसके अंदर मैं आपको और डिटेल में सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो गाइस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।